रिहायशी झोपड़ी में लगी आग से फटा सिलेंडर, बीच बचाव करने गए चार लोग हुए जख्मी। खबर चंदौली से, जहां तहसील क्षेत्र चकिया अंतर्गत गयापुर गांधीनगर में शुक्रवार की अल्प सुबह एक रिहायशी झोपड़ी में आग लगने झोपड़ी में रखी सिलेंडर फटने से चार लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया में पहुंचाया गया, जहां घायलों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गयापुर निवासी बुल्लू प्रसाद के रिहायशी झोपड़ी में अज्ञात कारणों से लगी आग के कारण झोपड़ी जल रही थी, जिसे बुझाने के लिए गए। आग को बुझाने के चक्कर में झोपड़ी में रखा सिलेंडर फट गया, जिससे गांव के ही शिवपाल 45 वर्ष, शीतल प्रसाद 55 वर्ष, गंगाराम 50 वर्ष व बालक जगदीश कुमार 8 वर्ष झुलस कर जख्मी हो गए, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस सेवा के लिए की। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस आनन फानन में पहुंचे और घायलों जिला संयुक्त चिकित्सालय चकिया में भर्ती कराया, जहां घायलों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। बयूरो नासिर अली की रिपोर्ट। तो यही बात है, कितने लोग घायल हुए हैं? चार लोग हैं सर। कौन कौन घायल है? शिवलाल है, एक शीतल प्रसाद है, एक छोटा वाला बच्चा है, उसका नाम तो नहीं याद आ रहा है। हमारा नाम गंगाराम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? गयापुर का। Thank you.